स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसको हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मेच्योरिटी जब उसको हो जाती है, या ऑर्गेनिज्म जो है मेच्योर हो जाता है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्सिबिट करते हैं, एक इवेंट एंड प्रोसेस को एक्सिबिट करते हैं। और ये इवेंट्स और प्रोसेस क्या होता है कि काफ़ी सिमिलर होता है, इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्कबल फंडामेंटल सिमिलरिटी। इन इवेंट्स और प्रोसेस में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, मतलब यह है कि जितने भी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इवेंट और प्रोसेस को एक्सिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये जो इवेंट्स प्रोसेस होते हैं ये आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका जो रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है काफ़ी डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बाद भी वो उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस हैं, इवेंट्स हैं, वो काफ़ी आपस में सिमिलर होती हैं, सिमिलर पैटर्न शो करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला है कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस, एक्सिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्कबल फंडामेंटल सिमिलरिटी। जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक इवेंट और प्रोसेस प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, और वो इवेंट प्रोसेस में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, जबकि उनका इवेंट थ्रो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड उनके जो स्ट्रक्चर हैं, उन ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर हैं वो इंडीड वेरी डिफरेंट, उन स्ट्रक्चर जो है काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है देखिए सेक्सुअल इवेंट इनमें सिमिलर होगा, सेक्सुअल इवेंट एंड प्रोसेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है काफ़ी जो है डिफरेंट होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल फिनामना है एक तरह से, कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो काफ़ी डिफरेंट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इसके बाद जो है इसमें बोला है कि द रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटना होती है थ्रू इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, काफ़ी विस्तृत और जटिल होती है, काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी कठिन होती है, जटिल होती है, लेकिन ये भी जो इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स है ये एक सीक्वेंशियल रेगुलर सीक्वेंस में होता है, फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, रेगुलर सीक्वेंस में होता है। अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे उसको हम पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, तो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सॉरी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि सिंथेसिस ऑफ एम्ब्रियो या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फार कन्वेंस
अपनी सुविधा के लिए दीज सिक्वेंशियल इवेंट में भी ग्रुपेड इंटू दीज सिक्वेंशियल इवेंट में भी ग्रुपेड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेज, तीन स्टेज में इसको ग्रुप मतलब कि ग्रुप किया गया है। जो फर्स्ट है वो प्री फर्टिलाइजेशन है, सेकेंड जो है फर्टिलाइजेशन है, और थर्ड जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। मतलब कि तीन स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो तीन इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे कि मेल और फीमेल गैमिट जो है क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं। तो फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। तो जाइगोट से इम्ब्रियो जो बन रहा है इसी को इम्ब्रियो जेनेसिस कहेंगे, और इम्ब्रियो जो है ग्रोथ हो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तीन इवेंट्स होते हैं, तो जिसको हम लोग अभी देखे हैं, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले का इवेंट, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो गैमिट बनते हैं मेल फीमेल गैमिट, उन गैमिट के फ्यूजन होने से पहले का इवेंट, प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमिट इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमिट। फ्यूजन ऑफ गैमिट के पहले के जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो किसमें आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो दो इवेंट हैं, टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, एंड गैमिट ट्रांसफर। और जैसे ये बन जाएगा तो गैमिट का ट्रांसफर होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो इवेंट्स आते हैं, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। तो यहाँ पे हम जैसे इसको शॉर्टकट में ऐसे देख सकते हैं कि जो ये हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऐसे दिखाया हुआ है, तो इसमें दो प्रोसेस हैं ऐसे। फर्स्ट है गैमिटोजेनेसिस, फर्स्ट है गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस, और जो बी वाला प्रोसेस है वो गैमिट ट्रांसफर। जैसे गैमिटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट या फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। अब जैसे गैमिट बन जाएगा तो ये जो मेल गैमिट्स होते हैं वो फीमेल गैमिट तक पहुंचना है, तो मेल को फीमेल तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो गैमिट ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं गैमिट ट्रांसफर, जिसमें कि पॉलिनेशन होता है और वाटर भी काफ़ी हेल्पफुल है मेल को फीमेल तक पहुंचाने में। तो नेक्स्ट आगे हम इसको पढ़ेंगे। और जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है तो इसमें दो इवेंट्स हैं, गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमिट, प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमिट, गैमिट के फ्यूजन से पहले के जो इवेंट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम देखते हैं गैमिटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमिटोजेनेसिस। जैसे दो प्रोसेस हम देखे थे ऊपर जो है, तो इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस था वो गैमिटोजेनेसिस था, और सेकेंड गैमिट ट्रांसफर था। तो गैमिटोजेनेसिस देखना है, तो गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। गैमिटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमिट, मेल एंड फीमेल। तो गैमिटोजेनेसिस क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें दो तरह के मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गैमिट्स आर हैप्लॉयड सेल,
गैमेट्स जो होते हैं वो हेप्लॉयड होते हैं। तो हेप्लॉयड और डिप्लॉयड आने वाले चैप्टर्स में बहुत बार आएगा, तो इसका क्या मतलब होता है इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, जो हेप्लॉयड सेल्स होते हैं इसमें जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है सिंगल सेट में होगा। इस सिंगल सेट का क्या मतलब है, जैसे कि हम ये बोलें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि जैसे ये हेप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन गैमिट है, हेप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन गैमिट का जो हेप्लॉयड सेल है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका मतलब कि जो ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, तो यहाँ पे 23 है, तो जिस सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा उसको हम कहेंगे हेप्लॉयड सेल। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन सेल में जो हेप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन गैमिट कंटेन 23 क्रोमोसोम, मतलब हेप्लॉयड्स, इसको इसीलिए हेप्लॉयड सेल बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 23 का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर 46 कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डबल सेट, मतलब कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन सेल में 46 होता है तो उसका हाफ 23 होगा, तो हाफ जो 23 क्रोमोसोम है इसी को सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे, और इसी टर्म को हम हेप्लॉयड भी बोलते हैं। जैसे कि हेप्लॉयड, हेप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन गैमिट कंटेन 23 क्रोमोसोम। तो हेप्लॉयड का मतलब समझ जाएंगे कि कोई सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, पूरे सेल में जो क्रोमोसोम है उसका हाफ है, तो वो हेप्लॉयड सेल होगा। तो समझ गए होंगे हेप्लॉयड का मतलब क्या होता है। डिप्लॉयड सेल का मतलब ये है कि जैसे डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम, तो जो डिप्लॉयड सेल्स होगी वो ह्यूमन की वो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो हेप्लॉयड और डिप्लॉयड को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे मेल गैमिट है यहाँ पे, तो ये जो मेल गैमिट है इस मेल गैमिट को हम ह्यूमन के केस में हम ये देख रहे हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन सभी प्लांट एनिमल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के अंदर, तो ह्यूमन के केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ह्यूमन में जैसे मेल गैमिट है तो मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म होता है, तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म कितना क्रोमोसोम कंटेन करता है, 23, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेप्लॉयड, और हेप्लॉयड को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे प्लस किए हैं, मान लीजिए मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट हम यहाँ ऐड करेंगे, फ्यूजन होगा प्लस का मतलब। तो देखिए, फीमेल जो गैमिट होगा, फीमेल गैमिट जो ओवा होता है या एग होता है, तो इसमें जो है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ओवा के अंदर, ओवा में कितने क्रोमोसोम है, 23, तो ये भी क्या हो गया, हेप्लॉयड, इसको हम यन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मेल मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फ्यूज होकर फ्यूज होंगे, प्लस का मतलब है फ्यूजन से, जब फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे जाइगोट, ये बनाएंगे जाइगोट, तो जो जाइगोट होगा उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, मतलब कि ये डिप्लॉयड सेल है, 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्या है, ये डिप्लॉयड सेल है। तो इस तरह से हेप्लॉयड और डिप्लॉयड का मतलब होता है कि हेप्लॉयड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए, हाफ होंगे, और डिप्लॉयड में उसमें फुल क्रोमोसोम होंगे जितने सेल्स के अंदर होते हैं। कुछ एल्गी में, इन सम एल्गी, कुछ एल्गी में जो गैमेट्स बनते हैं, इन सम एल्गी, कुछ एल्गी में जो दो गैमेट्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब उनका एपियरेंस जो है काफ़ी सिमिलर होता है, जिससे कि हम उनको डिफरेंट मेल और फीमेल गैमेट में कैटेगराइज नहीं कर सकते। इस तरह के गैमेट को बोलते हैं होमोगैमेट या आइसोगैमेट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सम एल्गी, कुछ एल्गी में द टू गैमिट आर सो सिमिलर, दो गैमिट जो है काफ़ी सिमिलर होते हैं इन अपियरेंस, बाहर से देखने पर सिमिलर अपियरेंस होता है, दैट इज
दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इंटू मेल एंड फीमेल गैमिट। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है इसको कैटेगराइज करना मेल और फीमेल गैमिट में, क्योंकि सिमिलर अपियरेंस होता है कुछ एल्गी के गैमिट्स में। कुछ एल्गी के जो दोनों गैमिट्स बनते हैं उनका अपियरेंस सिमिलर होता है, जिससे कि उसको हम मेल और फीमेल गैमिट में कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के गैमिट को बोलते हैं होमोगैमिट आर आइसोगैमिट, होमोगैमिट आर आइसोगैमिट। दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमिट आर आइसोगैमिट। जैसे अभी फिगर में हम देखेंगे होमोगैमिट या आइसोगैमिट जो है, देखिए ये है, ये होते हैं होमोगैमिट या आइसोगैमिट, ये वाले गैमिट्स, ये जो है इनका मार्फ देखने में बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको हम मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते दोनों गैमिट को। तो इस तरह के गैमिट को हम बोलेंगे आइसोगैमिट या आइसोगैमिट। जैसे कि एग्जांपल है आइसोगैमिट जो है, देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो है आइसोगैमिट ऑफ क्लेडोफोरा। एल्गी का ये एग्जांपल है, ये एल्गी है क्लेडोफोरा, उसका ये आइसोगैमिट जो है दिया गया है यहाँ पे। तो जो भी जैसे एल्गी है तो जो दो गैमिट्स बन रहे हैं वो सिमिलर अपियरेंस के हैं, इसलिए उसको हम मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो उस तरह के गैमिट को हम बोलते हैं होमोगैमिट या आइसोगैमिट। अब जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमिट प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप। मतलब यह है कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, अधिकतर जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो दोनों गैमिट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह के गैमिट को हम बोलते हैं हेट्रोगैमिट, इस तरह के गैमिट को बोलते हैं हेट्रोगैमिट। और इनमें जो है, इन सच ऑर्गेनिज्म, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में द मेल गैमिट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइट। मेल गैमिट को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइट और स्पर्म, एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज एग और ओवा। फीमेल गैमिट को एग या ओवा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये बी वाला जो फिगर देखिए, इसमें बी वाला जो फिगर है वो ये है हेट्रोगैमिट ऑफ फीकस एल्गा, हेट्रोगैमिट ऑफ फीकस, ये भी एक एल्गी है। तो इसमें देखिए यहाँ जो गैमिट बना हुआ है ये एक फीमेल गैमिट है, ये जो बड़ा वाला है, और ये जो छोटा वाला है ये मेल गैमिट है। तो ये हेट्रोगैमिट है। इसी तरह से ह्यूमन के केस में यहाँ पे ये ह्यूमन का ये ओवा है या एग है, और ये जो है स्पर्म है। तो इस तरह से यहाँ पे होमोसेपियंस, हेट्रोगैमिट आप होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग के केस में। तो यहाँ पे दो तरह के गैमिट दिखाया है, एक आइसोगैमिट और एक हेट्रोगैमिट। आइसोगैमिट जो है क्लेडोफोरा एल्गी का है एग्जांपल दिया गया है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अपियरेंस शो करते हैं, जबकि हेट्रोगैमिट मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट अपियरेंस शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हेट्रोगैमिट ऑफ फाइकस एल्गी और हेट्रोगैमिट ऑफ होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग के केस में दिया गया है। तो इस तरह से इसमें दिया गया है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, जैसे वो ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ मेल है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ मेल होते हैं, या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक ही पार्ट में उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों उसी में होता है। जैसे कि अगर हम अर्थवार्म की बात करते हैं, तो अर्थवार्म जो है उसमें मेल और फीमेल जो है दोनों एक ही में होता है अर्थवार्म में।
एक ही अर्थवर्म के अंदर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। और जैसे कॉकरोच की अगर हम बात करें, तो कॉकरोच में सिर्फ मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच अलग होगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेक्सुअल है या बाईसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, ये सब हमको अभी आगे पढ़ना है, जैसे यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। और एक होता है बाईसेक्सुअल, तो बाईसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट आर प्रेजेंट, मेल फीमेल बोथ पार्ट आर प्रेजेंट, उसमें जो है मेल फीमेल में मेल फीमेल बोथ पार्ट जो है प्रेजेंट होगा, बोथ पार्ट प्रेजेंट। तो यूनिसेक्सुअल में सिर्फ जो है मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, ओनली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट। तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और बाईसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। एक और टर्म इसमें यूज होता है, जैसे यूनिसेक्सुअल को हम बोलते हैं, एक टर्म होता है DU, इसको याद रखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। यू का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यू का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, और डी का मतलब होता है डायोसियस, डायोसियस। तो जैसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को डायोसियस भी बोलते हैं, इसी तरह से एक और टर्म है MB, MB, बी का मतलब है बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, और एम का मतलब होता है मोनोसियस, मोनोसियस। तो इस तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। DU का मतलब है, अगर यूनिसेक्सुअल है तो वो डायोसियस होगा, और अगर बाईसेक्सुअल एनिमल है या बाईसेक्सुअल प्लांट है तो वो मोनोसियस उसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो है, जैसे कि जो इसमें दिया हुआ है, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के मेल और फीमेल गैमिट होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आगे हम क्लास 11th में सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में मेल एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होता है, जिसके थ्रू मेल और फीमेल गैमिट जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो वो उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के गैमिट ही आपस में मिल करके फ्यूज होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेम इंडिविजुअल्स के मेल फीमेल गैमिट भी आपस में फ्यूज हो करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, मतलब कि सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको हम कहेंगे बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो बाईसेक्सुअल का मतलब ये है, बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल का मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है सेम प्लांट में होंगे, सेम प्लांट में प्रेजेंट होंगे, तो ये बाईसेक्सुअल।
और बाईसेक्सुअल को हम मोनोसियस भी बोलते हैं, मोनोसियस, MB शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं, MB, मोनोसियस बाईसेक्सुअल। फिर अगर मान लीजिए रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट में है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा, डायोसियस होगा। यूनिसेक्सुअल को हम बोलते हैं डी यू, यू मतलब यूनिसेक्सुअल, डी मतलब डायोसियस। जैसे कि यहाँ एक फिगर देख सकते हैं 1.6D, तो यहाँ पे एक फिगर हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो है, जैसे ये डी वाला जो है फिगर, ये इसमें देखिए फीमेल फीमेल थैलस है और मेल थैलस है, मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है। डी वाला देखिए डायोसियस प्लांट है, ये एग्जाम्पल जो है दिया गया है, जो डी वाला फिगर है वो डायोसियस प्लांट मार्केंसिया का एग्जाम्पल है, जिसमें कि फीमेल थैलस एंड मेल थैलस, मतलब कि अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल और फीमेल है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में है। तो जो मेल थैलस है उसमें जो सॉरी मेल थैलस में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, और फीमेल थैलस का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। ये एग्जाम्पल जो है डी वाला डायोसियस प्लांट किसका है, मार्केंसिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे देखिए ई वाला जो है, जो ई वाला है बाईसेक्सुअल फ्लावर है, स्वीट पोटैटो का ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है। बाईसेक्सुअल का मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों इसी के अंदर है। देखिए ये मेल पार्ट स्टामेन है और फीमेल पार्ट क्या होता है, कार्पेल। तो इस तरह से ये यूनिसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल होते हैं। फिर मोनोसियस प्लांट जैसे कारा है, कारा जो है मोनोसियस मतलब कि MB बाईसेक्सुअल, ये भी होगा मोनोसियस भी बाईसेक्सुअल होगा। देखिए यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल एनिमल जो है कॉकरोच होता है, कॉकरोच क्या होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब कि मेल फीमेल पार्ट अलग अलग होंगे। बाईसेक्सुअल एनिमल में जैसे कि अर्थवार्म है, अर्थवार्म जो है बाईसेक्सुअल होता है। तो इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है, जैसे कि ये जो है ये कारा का एग्जाम्पल है जो कि हम अभी देखे थे कारा। तो ये देखिए ये मोनोसियस है, मोनोसियस का मतलब कि बाईसेक्सुअल। इसमें ये ऊगोनियम जो है, ऊगोनियम फीमेल सेक्स आर्गन है जो कि ये है ऊगोनियम, और ये जो है इस तरह का एंथ्रीडियम है जो मेल सेक्स आर्गन है, ये वाला ये एंथ्रीडियम है जो मेल सेक्स आर्गन है। तो ये कारा का एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे देख रहे थे अभी, ये देखिए मोनोसियस प्लांट कारा। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कारा है, फिर यहाँ पे कॉकरोच, कॉकरोच जो है यूनिसेक्सुअल होता है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे फीमेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच, जैसे कि ये है फीमेल कॉकरोच, और इस फीमेल कॉकरोच का यहाँ पे इसके अंदर ओवरी दिखाया गया है, ओवरी जो है ये फिगर में ओवरी डिनोट किया गया है इस तरह से। और आगे हम देखेंगे जैसे अर्थवार्म जो है बाईसेक्सुअल होता है, तो इसका भी फिगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये है अर्थवर्म, यहाँ पे ये अर्थवर्म है और कॉकरोच है, दोनों है यहाँ पे। तो ये अर्थवर्म में जैसे कि अर्थवर्म में क्लाइटेलम होता है जानते होंगे, तो अर्थवर्म ये है, इसका ये स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें कि ओवरी और टेस्टिस मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग करके दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए एक ही में है, मेल और फीमेल पार्ट जो है इसी के अंदर है, जैसे कि ये ओवरी है और ये वाला जो पार्ट है वो टेस्टिस है।
ये अर्थवर्म का हो गया। फिर इस तरह से आप कॉकरोच में देखिए, यहाँ मेल कॉकरोच का दिखा दिया गया है, मेल कॉकरोच जिसमें ये टेस्टिस, ये जो है टेस्टिस होता है, मेल पार्ट जो है इस तरह से ये टेस्टिस है। तो इस तरह से जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, किसी में सेम होगा किसी में अलग अलग हो होता है। तो उसी के बेसिस पे हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म जो है डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म मोनोसियस है या डायोसियस है या बाईसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो यही होता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि जो थ्योरी में जो दिया गया है, इसमें इस थ्योरी में तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाईसेक्सुअल फिगर हम लोग अभी देखे हैं, और ऑन डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट पे अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल और फीमेल डिफरेंट पे है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। अब देखिए, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट, बहुत सारे फंजाई और प्लांट में टर्म, एक टर्म यूज किया जाता है होमोथैलिक, होमोथैलिक, होमोथैलिक एंड मोनोसियस, होमोथैलिक एंड मोनोसियस मतलब कि बाईसेक्सुअल। मोनोसियस याद रखेंगे, यम बी, यम मोनोसियस, बी मतलब बाईसेक्सुअल। तो मोनोसियस आर यूज यूज टू डिनोट द बाईसेक्सुअल कंडीशन। अभी हम लोग पढ़े थे कि एम बी टर्म जो होगा वो बाईसेक्सुअल है तो वो मोनोसियस होगा, या मोनोसियस है तो उसको बाईसेक्सुअल कंडीशन कहेंगे। एंड हेट्रोथैलिक, हेट्रो मतलब कि अलग अलग, हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस टर्म यूज होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। ठीक है, अब इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो होता है वो स्टामिनेट होता है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम कहें तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, स्टामिनेट। और इसमें जो है स्टामेन होते हैं, स्टामेन जो है मेल पार्ट होता है, जबकि फीमेल में जो, फीमेल में जो है पिस्टिल होते हैं, पिस्टिलेट। फीमेल या हम यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को क्या कह सकते हैं, पिस्टिलेट, जिसमें क्या होगा, पिस्टिल होगा। पिस्टिल अगर देखेंगे तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन पार्ट होते हैं पिस्टिल के। इन सम फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, मोनोसियस होगा। आर ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स तो वो डायोसियस होगा। तो इसमें सेक्सुअलिटी में वही बार बार एक ही चीज़ मेंशन है कि मोनोसियस कब होगा, डायोसियस कब होगा। तो इसके लिए हम लोग अभी तक अच्छे तरह से इसको देख चुके हैं। मोनोसियस मतलब बाईसेक्सुअल हो गया, मेल फीमेल जो है सेम प्लांट पे होगा, और डायोसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, जिसमें मेल फीमेल पार्ट जो है अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में होंगे। सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, जिसको हम मोनोसियस कहेंगे जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। और सेपरेट इंडिविजुअल, अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स पे मेल फीमेल है तो उसको हम डायोसियस कहेंगे जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे मोनोसियस प्लांट का, सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट आर कुकुरविट, कुकुरविट एंड कोकोनट एग्जाम्पल है। एंड ऑफ डायोसियस प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो पापया, पापया एंड डेट पाम, डेट पाम जो है, ये दो एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया है डायोसियस प्लांट का और मोनोसियस प्लांट का, कुकुरविट एंड कोकोनट।
यहाँ पे एनिमल के केस में अगर हम देखें कि एनिमल के केस में भी क्या इसी जैसे प्लांट में मोनोसियस डायोसियस कंडीशन है, उसी तरह की कंडीशन एनिमल के केस में भी है या नहीं है। तो एनिमल के केस में भी यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल कंडीशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि बट व्हाट अबाउट एनिमल, एनिमल का क्या? तो ऐसे इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, मतलब कि जितने भी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो या मेल हैं या फीमेल हैं, जिसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, या बोथ और ऑल दीज स्पीसीज विच पोसेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेल फीमेल दोनों हैं, तो उसको बाईसेक्सुअल कहेंगे। तो एनिमल के केस में भी हम मतलब ये देखना है कि जो स्पीसीज होती हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं या बाईसेक्सुअल होती हैं। तो एनिमल के केस में भी यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल कंडीशन होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अर्थवर्म, अभी हम लोग फिगर देखे थे अर्थवर्म का, जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट जो है अर्थवर्म में प्रेजेंट था। जब तो यहाँ पे अर्थवर्म, स्पंज, टेप वर्म, लीच, ये जो है एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाईसेक्सुअल एनिमल, ये बाईसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं दैट पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हरमेफ्रोडाइट। तो इसको हम हरमेफ्रोडाइट भी कंडीशन बोलते हैं, जैसे कि ये बाईसेक्सुअल हैं इसलिए इसको हरमेफ्रोडाइट कंडीशन भी बोल सकते हैं। काकरोच जो है एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज, काकरोच जो है यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब हमको देखना है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय किस तरह का सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जैसे हेटरोगैमेटिक स्पीसीज जो होते हैं, ऑल हेटरोगैमेटिक स्पीसीज, जितने भी हेटरोगैमेटिक स्पीसीज है उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो हेटरोगैमेटिक स्पीसीज में जो गैमेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। और गैमेट्स जो होते हैं वो हेप्लॉयड होते हैं, गैमेट्स जो है हेप्लॉयड होते हैं। इस वीडियो में हमने शुरू में पढ़ा था हेप्लॉयड, हेप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हेप्लॉयड जो गैमेट्स होते हैं हेप्लॉयड होते हैं, लेकिन इनकी प्लांट बॉडी, जैसे गैमेट जिस प्लांट बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट बॉडी हेप्लॉयड या डिप्लॉयड हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि गैमेट्स आर हेप्लॉयड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हेप्लॉयड और डिप्लॉयड। मतलब यह है कि गैमेट्स जो है हेप्लॉयड होंगे, लेकिन प्लांट बॉडी जो है उनकी प्लांट बॉडी हेप्लॉयड या डिप्लॉयड हो सकती है। गैमेट जिस प्लांट बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्लांट बॉडी हेप्लॉयड या डिप्लॉयड हो सकती है, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं वो हेप्लॉयड होते हैं। और यहाँ पे जो हेप्लॉयड जो पेरेंट्स हेप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाई माइटोटिक डिवीजन, जो हेप्लॉयड्स पेरेंट्स गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम रहेंगे पेरेंट और गैमेट्स के बीच में, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो है चेंज नहीं होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है माइटोटिक डिवीजन में। तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए जैसे हेप्लॉयड पेरेंट है, तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन से गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हमको एक चीज़ और देखना है कि हेप्लॉयड और डिप्लॉयड जो प्लांट बॉडी है वो किस में होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मोनेरा, मोनेरा फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा हैव हेप्लॉयड प्लांट बॉडी। मोनेरा फंजाई, एल्गी
ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी क्या होती है? हेप्लॉयड होती है। इनकी प्लांट बॉडी जो है हेप्लॉयड होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि टेरिडोफाइटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनकी जो पैरेंटल बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी हेप्लॉयड होगी, जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन की पैरेंटल बॉडी जो है डिप्लॉयड होती है। जैसे कि यहाँ पे फिगर हम दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये फादर है मान लीजिए, तो इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, और एक मदर हम यहाँ पे ऐसे बनाए हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम है। तो ये फादर मदर क्या है? डिप्लॉयड है। इनको हम बोलेंगे डिप्लॉयड पेरेंटल या डिप्लॉयड पेरेंट, डिप्लॉयड पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए जो फादर है इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो जो फादर 46 क्रोमोसोम है तो इससे जो स्पर्म बनेगा इस स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब कि ये स्पर्म क्या हो गया? हेप्लॉयड। इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे यहाँ पे फादर में 46 है तो यहाँ पे 23 है, मतलब उसका हाफ हो गया क्रोमोसोम, तो इसलिए स्पर्म क्या होगा? हेप्लॉयड। ओवा जो बनेगा, ओवा जो है इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम, तो ये भी ओवा भी क्या होगा? हेप्लॉयड होगा। फिर फ्यूजन होगा तो जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो है डिप्लॉयड होगा, टू यन हो जाएगा, फिर से इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, और फिर ये डेवलप हो करके इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियो, फिर इम्ब्रियो से न्यू नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, जैसे कि सन प्रोड्यूस हो गया, सन में जैसे बॉय या गर्ल प्रोड्यूस हो गई, तो बॉय या गर्ल जो है इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि बॉय और गर्ल्स जो है फिर ग्रो करेंगे, मेच्योरिटी आएगी, रिप्रोडक्शन होगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से जो पैरेंटल बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, जबकि सिर्फ गैमिट इसमें हेप्लॉयड बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा हैव हेप्लॉयड प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी। अब देखिए इसमें जिसकी पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होगी उसमें कौन सा डिवीजन होगा? तो उसमें मियोसिस होती है, मियोसिस डिवीजन होता है, उसमें जो है मियोसिस होगा। तो इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इफ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ प्रोड्यूस हेप्लॉयड गैमिट। जैसे डिप्लॉयड बॉडी जो है अगर गैमिट प्रोड्यूस कर रहा है, डिप्लॉयड बॉडी से अगर कोई गैमिट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या होता है कि एक से फोर, एक सेल जो है दो सेल में पहले डिवाइड होती है, फिर ये सेल ऐसे फोर में डिवाइड होती है, तो एक से चार सेल्स जो है इसमें बनती हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस में हाफ हो जाता है पेरेंटल का, पेरेंटल बॉडी का। तो ये होता है इसमें कि इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इफ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हेप्लॉयड गैमिट।